दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने सबको चौंकाते हुए आज यानी 24 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हटने का फैसला सुनाया और इसी के साथ उन्होंने अब टीम की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को सौंप दी है और अब धोनी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में रहेंगे। आईपीएल शुरू होने के ठीक दो दिन पहले उनका ये फैसला काफी हैरान कर देने वाला है। फिलहाल अब सीएसके की टीम अपने नए कप्तान के साथ मुंबई में अपने पहले मुकाबले की तैयारी के लिए जुट गई है। 26 मार्च को आईपीएल के पहले मुकाबले के साथ ही चेन्नई अपना अभियान शुरू करने जा रही है। एक लंबे वक्त बाद या यूं कहे कि एक लंबे अरसे बाद धोनी की कप्तानी के बिना ये टीम मैदान में उतरेगी। एक कप्तान के तौर से देखे तो धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लाजवाब रहे हैं। उन्होंने टीम को 4 बार चैंपियन तो बनाया ही है, साथ ही सबसे ज्यादा बार फाइनल भी पहुंचाया है। इन सब के बीच आईपीएल के 4 बड़े रिकॉर्ड्स भी धोनी के नाम दर्ज हैं। ये रिकॉर्ड क्या है, चलिए जानते हैं। अब माही के कप्तानी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 204 मैचों में कप्तानी की है। उनके बाद दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 140 आईपीएल मैचों में कप्तानी की है। धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच जिताने वाले कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में टीम 121 मैच जीती है। उनकी कप्तानी में जीत का प्रतिशत 59.60 है। इस मामले में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है और हिटमैन की बात करें तो हिटमैन ने 75 मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने अब तक 220 मैच खेले हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक है, दोनों ने 213 मैच खेले हैं। और धोनी ने आईपीएल में विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले खिलाड़ी भी हैं। बतौर विकेट कीपर उन्होंने 161 शिकार किए हैं, इनमें 122 कैच और 39 स्टंपिंग है। इस मामले में दूसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक है, जिन्होंने आईपीएल में विकेट के पीछे 147 शिकार किए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि रविंद्र जडेजा सीएसके की कमान किस तरीके से संभालते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।